दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीजीडी इकोनॉमिक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इन दोनों कोर्सेज की तैयारी हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट mahavidyaeconomicsschool.com के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको हमारे कोर्स में पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स और लाइव डाउट सेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, तो कला इसलिए है और विज्ञान किस लिए है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आमतौर पर यह माना जाता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान के अंदर क्या होता है कि जो भी कारण हैं और परिणाम हैं उसका संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। जैसे भारत में मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ विज्ञान क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी होती है, तो उससे पहले सबसे पहले उस बीमारी के क्या कारण हैं, क्या उसके परिणाम हैं और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये सारा का सारा विज्ञान का प्रोसेस है। उसी तरीके से अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, क्योंकि जब हम किसी समस्या को बताते हैं तो सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, उनको विश्लेषण करते हैं और सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर हम नियम और नीतियाँ बनाते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में होने की वजह से एक तरीके से आप कह सकते हो आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण करने के माध्यम से एक तरीके से आप कह सकते हो नियम डेवलप करता है। लेकिन अर्थशास्त्र प्योर विज्ञान नहीं है, समाज में परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक नियम भी बदलते रहते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसी के साथ साथ कई लोग इसे कला बोलते हैं। देखिए कला क्या होता है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए विशेष गुणों का प्रयोग करना ही कला कहलाता है। अर्थशास्त्र में जो गुण है वो ये भी है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसी भी समस्या का विशेष रूप से समाधान करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई समस्या आई, तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी करना है, तो राजनीतिक माहौल किस तरीके का है, सामाजिक माहौल किस तरीके का है, पॉलिटिकल लोगों का व्यू किस तरीके का है, रूढ़िवादिता किस तरीके का है, इन सबको ध्यान में रख के ही आर्थिक विश्लेषण का मतलब एक तरीके से समाधान करता है। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र कला भी है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको मिस कर गया कि अर्थशास्त्र में को कई लोग आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान भी कहते हैं। आदर्शात्मक विज्ञान मतलब जिस जो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सुझाव देता है, और वास्तविक विज्ञान मतलब जो समस्या का क्या है वो बताता है। इसके बारे में बच्चों हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बताया था, वही इसका आंसर होगा। देखिए अर्थशास्त्र में मान्यताओं का महत्व के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, आप कई बार बोलते हो अन्य बातें समान रहें। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि कीमत जो है अगर वो बढ़ती है तो जो मांग है वो कम हो जाएगी। यहां पर हमने आय को समान माना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आय को समान मानने का क्या लॉजिक है। आय को समान मानने का मतलब है कि जब हम कीमत का असर मांग पर प्रसार कर रहे हैं तो मांग जो है वो बहुत सारे कारणों से असर पड़ती है। यानी कि मान लीजिए एक्स वेरिएबल है मांग, वो कई फंक्शन से इफेक्ट करता है, प्राइस से भी करता है, इनकम से भी करता है, मान लीजिए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड से भी करेगा, ठीक है जी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री से भी करेगा, बहुत सारे फैक्टर से असर करता है। लेकिन जब हमें पता करना है कि केवल प्राइस का असर क्या पड़ेगा इसके ऊपर, तो बाकी की सबको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। इसका मतलब मान्यताओं का मतलब ये हुआ, ये हमारी मान्यता है, मान्यताओं का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई आर्थिक सिद्धांत बनाते हैं तो केवल दो चरों में जब संबंध बताना हो या दो से तीन चरों में संबंध बताना हो तो बाकी के वेरिएबल को हम स्थिर मान लेते हैं। जैसे आर्थिक मॉडल आप बनाओगे तो आर्थिक मॉडल में कई बार जनसंख्या को स्थिर मान लिया जाता है। यानी कि जब हम तकनीक का असर उत्पादन पे पता कर रहे हैं तो आप कहोगे नहीं जी जनसंख्या बढ़ेगी तो इतना असर पड़ेगा नहीं, इसीलिए कई बार आप जनसंख्या को स्थिर मान लोगे। अब मान लीजिए आपको केवल बताना है कि श्रम बढ़ने से और कैपिटल बढ़ने से उत्पादन पर क्या असर पड़ा, तो आप इस केस में केवल साधनों का इनपुट का असर आउटपुट पर पता कर रहे हो, इसलिए आप तकनीक को क्या मान लेंगे, स्थिर मान लेंगे। ये हमारी मान्यता है। मान्यताओं का मतलब किसी भी सिद्धांत को सरल करने के लिए जो हम एक तरीके से कुछ चीज़ों को हम अस्थिर स्थिर मान लेते हैं, कुछ चीज़ों में अपरिवर्तनशील मान लेते हैं, उनको बोलते हैं मान्य। यानी कि एक तरीके से
हमेशा जरूरी नहीं है परिवर्तन ही माना हो, कई बार मान्यता है उसको बदलने की भी होती है। यानी कि जटिल आर्थिक समस्याओं को सरलता से समझाने के लिए कुछ अजम्पशन ले लिए जाते हैं, कुछ बेस ले लिए जाते हैं, उन्हीं को मान्यताएं कहते हैं। बात करें आर्थिक मॉडल की, तो देखिए आर्थिक मॉडल क्या होता है। आर्थिक समस्याओं को, जैसे आप देखिए किसी स्कूल को आप बनाते हो तो किसी स्कूल को बनाने से पहले स्कूल का मॉडल बना दिया जाता है। आर्थिक मॉडल का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई अर्थशास्त्री कोई आर्थिक समस्या को प्रेजेंट करना चाह रहा है तो पूरी इकोनॉमी को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सारी की सारी आर्थिक समस्याओं को किसी इक्वेशन के द्वारा या चित्र के द्वारा जब समझा देता है तो उसी को बोलते हैं आर्थिक मॉडल। तो ये सारे के सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत छोटी सी वीडियो रही लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।